हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे NIS का TMA फाइल कैसे बनाते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें NIS का TMA का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमने NIS का TMA क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है NIS के ऑफिशियल वेबसाइट www.nis.ac.in। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो NIS का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि NIS के क्वेश्चन पेपर आप जो डाउनलोड करेंगे, आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना जो आपका सेशन का हो। कई बार स्टूडेंट के डैशबोर्ड में TMA क्वेश्चन पेपर होते हैं लेकिन वो ओल्ड होते हैं, वो अपडेट नहीं होते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट NIS की वेबसाइट पे जाना www.nis.ac.in। यहाँ पर जाने के बाद स्टूडेंट सेक्शन में जाना या कोर्स मटेरियल में जाना। कोर्स मटेरियल में जाने के बाद 10th क्लास या सेकेंड क्लास चुनना, वहाँ पे आपको NIS का ट्विटर मार्क असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करते हैं डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आओ देखते हैं कि NIS TMA फाइल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, वो किया हमने www.nis.ac.in से। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, जिसका कोड 302 है, टोटल मार्क असाइनमेंट। देखो यहाँ ध्यान रखना, जो कोड 302 से स्टार्ट होता है या 300 से स्टार्ट होता है, 3 से आगे स्टार्ट होता है वो 12th क्लास का होता है, और इसके अंदर जो 2 से स्टार्ट होता है वो 10th क्लास का होता है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है 12th क्लास का है, इंग्लिश क्वेश्चन का। ये है आपका सीजन 2021 करंट सेशन का है। आओ देखते हैं नोट में क्या लिखा है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन एट सेम प्लेस। देखो सभी क्वेश्चन हमें करना कंपलसरी है, और उसके सामने क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। और क्या करना है, राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, AI नेम, सब्जेक्ट ऑन टॉप पेज। तो मतलब कि हम यहाँ भी ये भी देखेंगे कि NIS TMA का फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं, टॉप पेज कैसे बनाते हैं या कवर पेज कैसे बनाते हैं, ये भी सीखेंगे। तो बेसिकली आपका जो टोटल मार्क असाइनमेंट हुआ था 20 मार्क्स का, इसको आप यूँ भी कह लीजिए कि आपका थ्योरी का जो मार्क्स होता है उसका 20% का टोटल मार्क असाइनमेंट होता है। आओ नीचे चलते हैं। यहाँ देखो हमें टोटल क्वेश्चन 6 दिए होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, और उन 6 क्वेश्चन में हमें करने होते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 words। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 words। कई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम एक करेंगे 2 करेंगे। यहाँ क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी वन ए और बी, मतलब पहले का ए और बी पार्ट में से कोई हमें एक ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं। मार्क्स जो आपका क्वेश्चन सामने 2 मार्क्स, ये मार्क्स तो मतलब जो 2 मार्क्स इसके दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन ए करो या बी करो, आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों में से कोई एक करना है, अगर आपने ए किया है तो बी को नहीं करना, अब बी किया तो ए को नहीं करना, दोनों में से कोई एक ही करना है, क्योंकि आपका 2 ही मार्क्स का ही क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि दोनों कर देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको एक ही 2 ही मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा ध्यान रखना है कि वर्ड्स का 40 to 60 words बोला है, तो आप ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो 40 to 60 words में ही हो। 60 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, 70 या 75 या 82 जा सकता है, और 40 से 35 वर्ड तो जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो, वो आपका अच्छा नहीं माना जाता। तो
आपकी कोशिश रहेगी हमारा जो आंसर हो 42 60 वर्ड में ही हो। जब पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इन दो में इसको एक क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 42 60 वर्ड, ये भी 42 60 वर्ड में लिखना है और ये भी हमारा 2 मार्क्स का है। तो दूसरे में से ए और बी पार्ट में एक पार्ट करना है हमें। और देखते हैं तीसरे में भी 2 में से एक पार्ट करना और ये भी आपका 2 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स हो चुके हैं। चौथा देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स, मतलब यहाँ 100 से 150 वर्ड में लिखना है। तो वही 100 वर्ड से ज़्यादा हो लेकिन 150 वर्ड से या उससे कम हो। यहाँ पर अगर बच्चा आंसर चाहे थोड़ा मोड़ा बढ़ा कर सकता है, 165-170 तक ले जा सकता है या 90-95 तक ले जा सकता है, नहीं इससे ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो। और ये आपका कितना है 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से भी हमें एक या ए और बी पार्ट में कोई एक पार्ट भी करना है। तो 5वां क्वेश्चन, ये भी 100 से 150 वर्ड का है, इसके भी 4 मार्क्स का है। हो चलो, इनमें से भी 2 पार्ट है। 6ठा क्वेश्चन, जब प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट अंडर द फ्लोइंग इन अबाउट 500, ये हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है और लगभग जो वर्ड हो 500 वर्ड हो, कम से कम हमें 500 वर्ड का प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो 500 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 600-700 भी हो सकता है, 500 कम नहीं होना चाहिए। और ये आपका कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। तो हमने यहाँ तक देखा पहला स्टेप में क्वेश्चन पेपर हमें डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वाला आपका जो सेशन का है उस अकॉर्डिंग। जिनका एग्ज़ाम अभी अप्रैल में होने, अप्रैल मई में उनका जो सेशन है 2021 है, और जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट अक्टूबर 2021 में होना है उनका सेम सेशन रहेगा 2021। तो दोनों के लिए यही क्वेश्चन पेपर चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेशन अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, वो आप कहाँ से डाउनलोड करना है, NIOS की वेबसाइट से, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से www.nios.ac.in से। अब उसके आंसर तैयार करते हैं। देखो यहाँ लिखा भी होता है आपका कि सेशन कौन सा है, तो ये ध्यान रखना करंट सेशन का ही डाउनलोड करना है 2021। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई क्वेश्चन पेपर तो आपने डाउनलोड कर लिया, अब इसको बनाना कैसे, कौन से पेज बनाना है। तो पेज में बनाने लिए आपको A4 साइज शीट चाहिए। कैसे चाहिए, A4 साइज शीट चाहिए आपको क्वेश्चन पेपर जो A4 साइज शीट में ही बनानी है। अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन, अरे हाँ जी यहाँ लिखा हुआ है A4 साइज शीट में ही बनानी है, वो भी कैसी, 1 साइड ब्लैंक 1 साइड लाइन। जो अगर आप अपने नियर बाय शॉप पे देखिए मिल जाता है स्टेशन शॉप पे, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं www.pkcopy.com से। तो हमें पेज कैसे लेना है, A4 साइज शीट लेना है, 1 साइड ब्लैंक 1 साइड लाइनिंग लेनी है। यहाँ पे आप कलर पेज भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि जो पेज हो आपका A4 साइज हो और 1 साइड ब्लैंक और 1 साइड लाइनिंग हो। जैसे ऊपर जगह लाइनिंग थी और ये ब्लैंक थी, हमें कैसे लेना है, A4 साइज शीट लेना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को डाउनलोड कर लिया, आंसर शीट लिखने के लिए शीट ले आए, A4 साइज शीट, ब्लैंक और लाइनिंग। जो ब्लैंक्स नहीं होता है, कोई पिक्चर चिपकाना हो, कोई इमेज लगाना हो, कोई ड्राइंग बनाना हो, तो आप इस तरह बना सकते हैं। और कंटेंट लिखने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग में। ठीक है, अब आगे चलो, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरे स्टेप में देखो हमें क्वेश्चन के सोल्यूशन ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप अपने बुक्स का, गाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप टाइम बचाना चाहते हैं हमसे भी आप इन्हें सोल्यूशन ले सकते हैं, PDF में प्रोवाइड करा देते हैं सीधा सॉफ्ट कॉपी। तो हमने परचेज कर रखा है सोल्यूशन pkcopy.com से, डाउनलोड किया है, कुछ चार्जेबल होता है तो हमने पे करके डाउनलोड कर लिया है। इससे क्या होगा, मुझे आंसर जो होंगे अच्छे मिलेंगे और मुझे टाइम भी बचेगा। आओ क्वेश्चन लिखते हैं। पहले का मैंने ए पार्ट कर रखा है, जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो लिखा है हमने ब्लैक पेन से, ये जो लिखा हमने क्वेश्चन लिखा है वो ब्लैक पेन से। तो कोई ध्यान रखें कि क्वेश्चन लिखना जो हमें लिखना है आपके वो ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि थोड़ा सा वो हो, रेड पेन का यूज़ नहीं करना, वो ठीक नहीं माना जाता है, तो ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पे 1 या 2 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने 1 लाइन छोड़ रखा है, आप 1 या 2 छोड़ सकते हैं। उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है,
आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर, आंसर लिख दिया। तो आंसर जो लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है, आंसर लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है। तो पहले कर लिया, दूसरे का दो पार्ट बी पार्ट किया हमने, उसका भी आंसर लिख लिया। पहले क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आंसर लिखना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, फोर्थ का क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया भाई। फिफ्थ का क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया। सिक्स का प्रोजेक्ट वर्क जो है उसका क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया। ये आंसर आपके बड़े होंगे, लेकिन इसमें पूरा पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा दिखा रखा है। अब हमने क्या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, A4 साइज सीट ले आया, उसमें क्वेश्चन आंसर में लिख लिया। अब क्या करना है, हमें फ्रंट पेज तैयार करना है, कवर पेज तैयार करना है। ये दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मली सिंपली पेपर पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है NIHTML फाइल 2021 जो सीजन हो, डेट लिख दीजिए जिस दिन आप सबमिट करने जा रहे हैं, नाम आपका जो भी नाम है वो लिखना है, क्लास जिसका 10th क्लास है वो 10th क्लास लिखेंगे, जिसका 12th क्लास है 12th क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड और नेम। तो मैंने जैसे मैं बना रहा हूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का नाम डाल दिया, सब्जेक्ट कोड मेरा 302 है, 10th क्लास का होगा इंग्लिश होगा तो सब्जेक्ट कोड क्या होगा 202 होगा, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर, मैं इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद स्टडी सेंटर नेम और कोड, स्टडी सेंटर नेम और कोड लिख दिया। बेसिकली ये आपके आईडी कार्ड के नीचे मिल जाता है, आईडी कार्ड के नीचे आपका स्टडी सेंटर नेम और कोड दोनों मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब रीजनल सेंटर, वो भी आपके आईडी कार्ड के राइट हैंड साइड दिख जाता है, बैक साइड के दो, तो वहाँ पे हमने रीजनल सेंटर का भी डाल दिया और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लिया। पहला तरीका तो ये, हमने पेज पे ये अच्छी से डिजाइन बना लिया। इससे आप अच्छे और क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। आओ दूसरा तरीका है, मैंने कंप्यूटर से तैयार किया है, इस तरह से सिस्टम ओपन स्क्रीन लिख लिया हमने, टू टर्म असाइनमेंट टीएम में डेट लिख दिया, सेम नेम क्लास सब्जेक्ट कोड एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर या कोड रीजनल सेंटर जो लिखा था हमने, सेशन सेशन वही आपका कौन सा सेशन है, जैसा अभी करंट सेशन चल रहा है 2020 2021 जो भी करंट चल रहा है, तो इसे आपने लिखना है। फिर हमने सिग्नेचर कर दिया, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिव बना सकते हैं, जो अच्छा दिखे, जितना आप क्रिएटिव बना सकते हैं उतना अच्छे से आप बना सकते हैं। देखो अब देखा मतलब पूरा डिटेल, तो ये ऐसा नहीं कि ये सैंपल के लिए है, आप इससे भी अच्छा अच्छा बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, A4 साइज सीट ले आया, उसको क्वेश्चन आंसर लिख लिया, कवर पेज हमने तैयार कर लिया। अब क्या करना सर जी, आप अब क्या करना बताते हैं। उसके बाद हमें एक लेके आए फाइल, फाइल कैसे लेके आना है, स्पेरल फाइल ले आओ, जितने सब्जेक्ट है उतने फाइल लेके आनी है, एक सब्जेक्ट के लिए एक फाइल चाहिए। जैसे मैंने एक स्पेरल फाइल ले रखा है, आप देख सकते हैं, या स्पेरल फाइल ले रखा है, या इस तरह से स्पेरल फाइल ले रखा है हमने, इसको अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप अपना पेज ले आ सकते हैं, जो पेज लेंगे वो आप होल वाला लेंगे, होल मतलब पंच सीट लेंगे, जिसमें छेद होते हैं वो सीट लेंगे, ताकि आप इजीली यहाँ पे सीट को लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद इसको आप पैक कर सकते हैं। जूम करो भाई, सब चीज़ जूम कर दो, दिखना चाहिए सही से, चलो दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉपर ये लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ टैग कर सकते हैं। अब क्या करना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, क्वेश्चन के आंसर लिख लिए, फ्रंट पेज बना लिया, फाइल भी ले आया। उसके बाद क्या करना सर जी, उसको फाइल में लगा देते हैं। देखो जैसे मैं लगा दिया है, लगा दो सर जी, लगा दिया। लगाने के बाद कैसा दिखेगा, लगाने के बाद सर जी ऐसा दिखेगा, देखो देखो, आओ चलो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से कुछ तो दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कर दिया हमने।
अब क्या करना है, ये हमने फाइल लगा दिया, ये हमने वो कवर पेज लगाया जो हमने खुद बनाया था, और दूसरा जो हमने लगाया ये कंप्यूटर से बनाया था। तो कंप्यूटर से बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा जो अभी आपको अच्छा लगे क्रिएटिव सा वो बनाना है ना। तो फ्रंट पेज तरह तैयार करना। फ्रंट पेज का भी मैंने और भी वीडियो बना रखा है जिसमें फ्रंट पेज के बारे में दिया है कैसे बनाना है, तो मैं आपको वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं फ्रंट पेज तैयार करने के। तो फ्रंट पेज तैयार करने के बाद हमारा फाइल ऐसा दिख रहा है। ए फोर शीट जो है आप नियर बाय शॉप से ले सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। आप घर पे सीधा आ जाएगा, आप पेपर लेंगे, सो जाएंगे और उसको फाइल बना के सबमिट करेंगे। अच्छा सा फाइल बनाना है, अच्छे अच्छे मार्क्स पाना है। अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट, हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, अच्छे से लिख भी दिया, कवर पेज भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, और असाइनमेंट जमा करा के भी हम आ गए। अगर कहे खो जाए, कुछ हो जाए, हमें कैसे चलेगा पता भाई, हमने असाइनमेंट जमा करा दिया, तो उसके लिए क्या करना, हमें असाइनमेंट जमा कराने की रिसिप्ट लेनी है। असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट लेनी है, ये असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट है, ये आप हर सब्जेक्ट साथ लगाएंगे, एकेडमिक सीजन लिखेंगे 2021, अपना ये सेंटर जस्टिस सेंटर वो डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, कैंडिडेट ने मतलब अपना नाम लिखना है, असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 जो भी है आपके, सब्जेक्ट कोड जैसे मैंने इंग्लिश बनाया तो 302, सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, डेट जब जमा कराना है सर से साइन करा लेना, कौन से सर से, कौन से मैडम से, जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो रिजनल सेंटर सबमिट कर रहे हो तो उनसे रिसिप्ट लेनी है, और के स्टडी सेंटर सबमिट कर रहे हो तो वहाँ से भी रिसिप्ट लेनी है, कि कहीं खो जाए या कुछ हो जाए तो आप प्रूफ दिखा सकते हो कि आपने टीएम में फाइल सबमिट किया है। तो आशा करता हूँ आप जान चुके होंगे कि टीएम में फाइल प्रॉपर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आखिर आपने क्या करा, फाइल भी टीएम में की शिफ्ट को फाइल में लगा दी है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन के आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या करा, टीएम में की शिफ्ट भी लगा दिया, ओवर पेज भी लगा दिया, पूरा क्वेश्चन आंसर भी लिख में लिख के डाल दिया, ठीक है, समझ सकते हैं। इस तरह देखो कर थे, आशा करता हूँ समझ चुके होंगे टीएम में फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्या क्या फाइल डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसको आंसर लिखना है, बुक्स में देखना चाहो बुक्स ले लो, हमारे वेबसाइट डाउनलोड कर लो, कवर पेज बनाना है, टीम में सबमिशन लगानी है, टीम में सबमिट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।